ऐसे नहीं हो सकता कि एक गुंडा आदमी कातिल सड़क के ऊपर इस तरह घूमता है। कातिल है ना वो, तो इंसान थोड़ी है। उसको आप समझते हैं कि उसको जहन्नुम में जगह, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, जन्नत तो छोड़ो। नमाज पढ़ने के लिए गए शाम से पहले वो आ गए थे। और आज की तारीख में तो इतने लड़के, वो जिनको पुलिस वाले को मारा जो नमाज पढ़ के आ रहा, अच्छा खासा आदमी, इस्लाम को मानने वाला, धर्म को मानने वाला आदमी, मस्जिद में जाए बाहर निकले, कौन सा ईमान सिखाता है कि यार उसको आप मस्जिद से निकलते हुए आदमी को वो अपना नमाज पढ़ के आ रहे हैं और आपको गोली मार दो, है कहीं पे? कहीं लिखा है आपकी किताब में? लिखा है नहीं यार, हमारे धर्म की किताब में कहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं, हमारे मजहब में लिखता है इंसाफ। अगर कत्ल भी किया ना किसी को, फिर भी इंसान को देखना चाहिए सर, जिसने ये दो मारे थे इधर सर, आप खुद ही देखो सर वो क्या है सर। उनको तो उनको जहन्नुम में जगह नहीं मिली, उनके जो सात पुश्ते ऊपर नीचे है ना, कम से कम हम सबको अपने ये मानना है कि उनको, उनकी पुश्तों को जगह नहीं मिलेगी भगवान के, उनको जगह नहीं मिलेगा इस दुनिया से सर। मुझे यकीन है उनके बदले सर, उनको जो मेरे दो भाई को मारा था, मेरी माँ वो भी अब नॉर्मल हो गई सर, वो उसको पता नहीं ये मेरा बड़ा भाई है, ये बड़ा ये बेटा है सर, उसको कुछ भी पता नहीं, वो उल्टा वो कुछ काल से भी टेबलेट 10-12 खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही सर, वो अब नॉर्मल हो गई सर, जागते कोई। कश्मीर के खून में ऐसा है कि माँ के सामने मार दो, आप बताओ आपको सिखाया है किसी ने? किस मौलवी ने सिखाया आपको? कोई तो आपको गुस्सा नहीं आता? जब तक हम आपके अंदर ये नहीं बनेगा कि हमारे किसी कश्मीर को गोली मारेगा कोई, हम बचेगा नहीं, वो साउथ कश्मीर का है, नॉर्थ कश्मीर का है, उसका परिवार को हम बेदखल नहीं कर देंगे सोसाइटी, उसको आपको समाज से बेदखल करना पड़ेगा, ऐसे कैसे सुपे? आई डोंट नो होता है, मतलब हाउ इज इट बीइंग अलाउड? आप तो यहाँ पे रहने वाले हो, मतलब ये तो ऐसी चीज, कोई आदमी किसी लड़की के साथ में रेप करे, मर्डर करे, वो तो पूरा परिवार जो है बेदखल कर दिया था। ये रोलेगा यहाँ पे, परिवार वाले 4-5 दिन आएंगे, सब मामला खत्म, चाहे 6 दिन के बाद यहाँ कोई नहीं देखे, फिर जाएगा, फिर कोई नहीं मानेगा, इनको क्या हाल होगा, ये इंसान को याद रखें। They have to change, yeah. They have to go. We have to find those boys, those terrorists who have killed. We have to go to their families and say, तुमने ये घर बनाया हुआ है उनके नाम के ऊपर, अब मैं ड्यूटी करूँ या इनके साथ बैठूँ, मेरा परिवार ही खत्म हो गया है सर, अब मैं क्या करूँ? मुझे मैंने खुद सोचा, मैं डिसाइड करूँ, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मैं घर के बगैर नहीं जाऊँगा, अब मैं रिजाइन करूंगा अपनी नौकरी से, वो दूसरा SPO रिजाइन करेंगे सर, क्योंकि अब खतरा है, जान का खतरा है सर, बार बार हमें कुछ नहीं चाहिए सर, पंच है ना सरपंच, सरपंच 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 यही सरपंच, आप सरपंच है। मुझे एक चीज बताओ, गांव के अंदर कोई आदमी ऐसे आकर के गोली मार के चला जाए, कैसे क्योंकि ये कश्मीरी कश्मीरी को मार रहे हैं, पाकिस्तानी तो था नहीं वो, तो फिर क्यों मार रहे? और कब तक जिस आदमी ने मारा है उसका परिवार जो है ऐसे अपना आराम से जिंदगी कैसे जी सकते हैं? इसके तो दोनों बेटे गए, दो बेटे, मतलब एक भी नहीं, दो बेटे। तुम्हें बच
गरीब तो सारे ही है, गरीब कौन नहीं है इधर? गरीब तो जिस बंदे ने गोली मारी वो भी गरीब ही होगा ना। बट क्या जरूरत थी गोली मारने की? अपनी नौकरी कर रहे, दुकान चला रहे, कोई पुलिस के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहा है, आप पंच सरपंच बने हुए, आपको भी गोली मार दो, ये अपना खेती करने नहीं आता उसको भी गोली मार दो, सबको गोली मार दो फिर तो। मगर मुझे एक चीज बहुत पकड़ करके और उसको वही पिटाई हो जाती है, और हो सकता है, हो सकता है रजौरी पुंछ कर तो नहीं आ सकता है। रजौरी है, पुंछ है, जम्मू है, पंजाब है, बाकी आप कहीं भी चले जाओ इतना आसान नहीं है। जिस दिन दम आ जाएगा ना उस दिन सब चेंज होगा, उस दिन इधर मन शांति होगी, खुशहाली होगी। मैं इसलिए आया, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ पहली बार आपके दो बेटे थे बहादुर बेटे, बहुत ठीक है, मैं बहादुरी को सलाम करने आया, ठीक है। हमें खुद भी सुना कंवर साहब ने। अब सर रिक्वेस्ट है कि सर दोनों प्लीज में तो अगर माँ बाप के पास सुनो दैट जो रिक्वेस्ट है वो होगी, ठीक है। सर अभी भी है ना उनको भी